वेलकम टू माई चैनल, आई एम सुरेंद्र शर्मा। तो आज हम इंग्लिश का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे भविष्य के बारे में, यानी कि फ्यूचर को हम जब भी बताएंगे तो उसे किस तरह से बताना है। वैसे तो आप जानते हैं भविष्य का क्या मतलब होता है, जो भी आने वाला कल है, आने वाला समय है, उसे किस तरह से इंडिकेट किया जाएगा इंग्लिश में। तो जब भी हम भविष्य की यानी कि फ्यूचर की या आने वाले कल की बात करते हैं तो उसे बताने के लिए इंग्लिश में विल या शल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये काफ़ी कन्फ्यूजन टॉपिक भी है, काफ़ी लोग ये इस बारे में कन्फ्यूज होते हैं कि हम विल लगाएं या फिर शल लगाएं। तो उसके बारे में आज मैं पूरी तरह से डाउट आपके क्लियर करूँगा। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, और विल और शल दोनों क्या है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। और हेल्पिंग वर्ब का आपको पता ही है, जो हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला पढ़ा था उसके आधार पर हम सारे वाक्य बनाएंगे। एक बार दोबारा फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ। मेन फॉर्मूला हमारा रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब विल और शल लगाएंगे, कब लगाएंगे, जब हम बात भविष्य की करते हैं। कुछ भी बात अगर भविष्य में हमने बतानी हो तो उसे विल या शल से बताया जाता है। बट आजकल स्पोकन में से शल बिल्कुल ख़त्म हो गया, शल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, केवल ज़्यादा लोग विल से ही बात करते हैं। तो क्यों करते हैं उसके बारे में बता दूँ। तो ग्रामर के अनुसार जो नियम है, पहले मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो ग्रामर के अनुसार क्या नियम है, आई और वी के साथ वैसे तो शल लगाया जाता है और बाकी सभी के साथ विल लगाया जाता है। बट एक कंडीशन ग्रामर में यह है, अगर कोई भी काम हम 100% पक्के तौर पे कर रहे हैं तो आई और वी के साथ विल लगा दिया जाता है, यानी कि कंडीशन पलट दी जाती है, और बाकी सभी के साथ शल लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बट शल फिर भी आया। बट आजकल स्पोकन से शल का चलन खत्म हो गया है। शल जो बोला जाता है वो ज़्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है, और अमेरिकन इंग्लिश में, अमेरिकन में भी खासकर नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में विल का इस्तेमाल किया जाता है। तो शल खत्म इसलिए हो गया है क्योंकि ज़्यादातर लोग आई और विल को लगाना शुरू पसंद करते हैं, या विल को लगाना शुरू करते हैं सभी के साथ, यानी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ विल एज ए हेल्पिंग वर्ब लगाने लगे हैं। कब, जब भविष्य की बात की जाएगी। तो फ्यूचर के लिए जब भी हम बात करेंगे तो मोटे तौर पर विल लगाएंगे। अब विल क्यों लगाएंगे वो बताने जा रहा हूँ आपको। तो आई और वी के साथ वैसे शल लगता है, बट बोलने में ज़्यादातर सबके साथ विल आने लग गया है। तो क्यों आने लग गया है, जैसे कि मैंने बताया कि आई और वी के साथ विल लगाते हैं हम। कब लगाते हैं विल, जब हम 100% श्योर हैं, और बाकी सबके साथ शल लगाते हैं जब बाकी लोग श्योर हैं 100% के लिए। क्योंकि आजकल हम यही मान के चलते हैं कि बस हमारी बात 100% पक्की, बाकी जितने लोग भी बोल रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। यानी कि आई और वी के साथ विल कब लगाया जाता है, जब हम 100% पक्के हैं, 100% श्योर हैं। आई यानी कि मैं और वी यानी कि हम। तो जब हम 100% पक्के हैं तो आई और वी के साथ विल, और ही सी के साथ अगर विल लगाएंगे हम तो वो कच्चे रह जाएंगे, यानी उनकी बात ज़्यादा पक्की नहीं कही जाएगी। तो हमें उनकी बात पक्की करके भी क्या फ़ायदा है, अगर हम कहेंगे वो ये काम करेगा, यानी कि ही शैल डू दिस वर्क, और कल को वो काम नहीं करे तो सारा के सारा उल्हाना या क्लेम हमारे ऊपर आ जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम उसकी जगह पर विल लगा दें उठा के, यानी कि उसका काम पूरे का पूरा कच्चा, बस हमारी बात 100% पक्की कि हमने जो कह दिया वो पत्थर के लिखे। इसकी वजह से इंग्लिश बोलने में, स्पोकन में केवल और केवल विल का इस्तेमाल करें, विल सभी के साथ आ जाएगा। जब भी हम भविष्य की बात कर रहे हैं तो केवल और केवल आपने विल लगाना है। विल हमारा एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगा, फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने विल लगा देना है, प्लस वर्ब। वर्ब बहुत सारी और आ सकती हैं। इसके अलावा जब भी हम बात मना करने की करेंगे तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट लगा देंगे, जब भी हम मना कर रहे हैं, यानी कि विल के साथ नोट लगा देंगे तो विल और नोट को मिलाकर वी कैन से द वॉन्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगाई जाएगी। फॉर्मूला हमारा बन गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, और मना करने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब।
इसके अलावा अगर हम प्रश्न पूछ लेंगे इससे तो विल को पहले ले आएंगे, यानी कि विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये फॉर्मूला हमारा रहेगा। यानी कि विल कब लगाया जाएगा, जब भी हम भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं तो विल के साथ बात करेंगे, और जब भी हम 100% श्योर है उस काम को कर लेकर, यानी किसी भी काम को लेकर हम 100% पक्के हैं कि मैं ये काम 100% हर हालत में करूँगा, तो हम विल लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप 100% पक्के ना हो और फिर भी विल लगा दें, बट आजकल लोगों का फैशन हो गया है कि किसी काम को कच्चा होने पर भी लोग विल लगाते हैं। तो जो भी काम 100% पक्का हो उसके लिए हमें विल ही लगाना है। तो कुछ काम मैं ले लेता हूँ, आजकल फैशन का ज़माना है, वैसे तो कोरोना युग में बड़ा फैशन कम होने जा रहा है या हो गया, फिर भी फैशन का ज़माना है और हम कुछ इस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं जिससे हमारी आउटलुक यानी कि पर्सनैलिटी और ज़्यादा लगे। तो उससे संबंधित एक मैं एक्शन या वर्ब ले रहा हूँ, यानी कि कुछ काम ले रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ कि मेरे बहुत अच्छे कपड़े मैं पहनूंगा पक्के तौर पे, तो उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं हम ड्रेस टू किल। ड्रेस यानी कि ड्रेस करना और टू किल यानी कि इसको मारने के लिए, मारने के लिए नहीं बकायदा, यानी कि सिंपल तौर पे आप एक अच्छे कपड़े पहना, बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव कपड़े पहना ताकि दूसरों को अच्छा लगे, तो उसे इंग्लिश में बोला जाएगा ड्रेस टू किल। अगर इसके हम वाक्य बनाएं सिंपल फॉर्मूले से, सो आई विल ड्रेस टू किल, क्या तुम करोगे, तो विल यू ड्रेस टू किल, मैं नहीं करूंगा, आई वॉन्ट ड्रेस टू किल। विल नॉट को मिलाकर हम वॉन्ट भी बोल सकते हैं, सो आई वॉन्ट ड्रेस टू किल, वह करेगा ही विल ड्रेस टू किल, क्या वो करेगा, तो विल ही ड्रेस टू किल, वो नहीं करेगा, ही वॉन्ट ड्रेस टू किल, बट मैं करूंगा तो आई विल ड्रेस टू किल। आई और विल को मिलाकर हम कंबाइन भी कर सकते हैं, यानी कि आई भी बोला जाता है इसको, और मना करने के लिए विल के साथ हम नॉट लगा देंगे, तो विल के साथ नोट लगाने पर ये बन जाएगा हमारा वॉन्ट, जब हम काम को मना कर रहे हैं। तो ड्रेस टू किल यानी कि बहुत अच्छे कपड़े पाना और बिल्कुल फैशन के हिसाब से कपड़े पाना, तो उसे भी इंग्लिश में बोलते हैं हम वियर अप टू डेट, यानी कि बिल्कुल अप टू डेट रहना, ऐसे कपड़े पाना जो बिल्कुल अप टू डेट है, यानी कि वियर अप टू डेट, सो आई विल वियर अप टू डेट, तुम करोगे तो यू विल वियर अप टू डेट, क्या तुम करोगे, तो विल यू वियर अप टू डेट, मैं नहीं करूँगा, आई वॉन्ट वियर अप टू डेट। तो कपड़े तो अच्छे हो गए, बट आज का ज़माना क्या है, मास्क भी लगाना पड़ेगा, तो मास्क भी बहुत ज़रूरी है, तो उसे भी पहनना, नहीं तो ऊपर जाने का प्रोग्राम जल्दी बन सकता है, तो इसलिए मास्क जरूर लगाएं। तो मास्क पहनने को इंग्लिश में बोलेंगे वियर मास्क, तो मैं मास्क पहनूंगा, तो पक्का पहनना है, ऐसा नहीं है कि विल से कह रहे हैं और कल को पहनेंगे नहीं, तो विल से ही पक्का पहनना है मास्क। तो आई विल वियर मास्क, तुम पहनोगे तो यू विल वियर मास्क, क्या तुम पहनोगे, विल यू वियर मास्क, मैं नहीं पहनूंगा तो आई वॉन्ट वियर मास्क। तो मास्क जरूर पहने, जो आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस कोरोना युग में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। जब कोरोना बीमारी ख़त्म होगी तब ख़त्म होगी, बट अभी हमें पूरी तरह से प्रिकॉशन बरतना है हर हालत में, हम बाहर रहें कहीं पर भी रहें, तो मास्क जरूर पहने, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस हिसाब से चले गए, कुछ एक एक्शन और ले लें। तो बॉडी हमने अच्छी होनी चाहिए, तो जिम भी ज्वाइन, यानी कि पर्सनैलिटी कैसे होगी, अच्छे कपड़े और प्लस मास्क तो है ही, और जिम, तो जिम ज्वाइन करना हुआ हिट जिम, तो हिट जिम यानी कि जिम को हिट करना, यानी कि जिम में जाना, तो मैं जिम जाऊंगा यानी जिम ज्वाइन करूंगा, सो आई विल हिट जिम, तुम करोगे यू विल हिट जिम, तो इस तरह से जिम में जाना या जिम को ज्वाइन करना, इस तरह से हम बहुत सारी वर्ब लेकर यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। यानी कि भविष्य को बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ विल लगाना है आपने, और कुछ नहीं करना। जो आजकल स्पोकन में बोलने में चल रहा है वो केवल विल ही चल रहा है, तो विल कब आएगा, जब हम भविष्य की बात करेंगे, एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगा। फॉर्मूला जो मैंने बताया वही है, यानी कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, मना करने के लिए नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी कि विल के साथ, और प्रश्न करने के लिए विल को पहले लेके आएंगे, विल यू और फिर जो भी आपका वर्ब है या जो भी एक्शन है उस हिसाब से लगा देंगे। तो दिस इज आवर टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं, और एक छोटी सी बात मैं और कहकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। विल से हम बहुत सारी बातचीत और भी कर सकते हैं, यानी कि आप जितना भी भविष्य में जितनी भी बातचीत करेंगे तो वो सारी आप विल से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ त्यौहार अगर आगे आ रहा है, अगर मान लीजिए दिवाली का त्यौहार आपने बनाना है, तो दिवाली का त्यौहार आप किस तरह से बनाओगे, तो वो सारा विल से बना सकते हैं। जितने भी त्यौहार फेस्टिवल्स हैं
वो सारे विल की ग्रामर से आप आसानी से बना सकते हो। यानी कि जो भी काम आप करोगे, जैसे मैं करूँगा दिवाली पर मैं मंदिर जाऊँगा या कहीं पर भी जाऊँगा, जो भी काम करूँगा, तो वो सारी बात हम विल के साथ कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो विल ही स्पोकन में ज़्यादा आता है। शैल का चलन आजकल खत्म हो गया बिल्कुल आपके, और ज़्यादातर लिखने में भी आजकल शैल बिल्कुल खत्म हो गया है। शैल मत लगाएं, सिर्फ विल लगाएं। विल कब आएगा? जब हम बात भविष्य करेंगे। चले खैर, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी और वीडियो में मैं कुछ बनाता रहूँगा आपके लिए, और ग्रामर के बहुत जो बोलने वाले टॉपिक्स हैं वो मैं लेता रहूँगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है वो आपके आसानी से मिलते रहें, और आगे जो भी हमें ग्रामर के और टॉपिक अगर हम लेते रहेंगे तो वो आप आसानी से सीखते रहें, और धीरे धीरे कर कर ही पूरी इंग्लिश बोलनी आएगी।